हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए हर बार के तरीके मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो का दोस्तों टॉपिक है हमारा कि वायरिंग जो है वो डीओ कॉन्टैक्ट वेट टाइप की कैसे करते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने इससे पहले वायरिंग डायग्राम बनाया था डीओ का ही, लेकिन ड्राई कॉन्टैक्ट या फिर पोटेंशियल फ्री, जो भी उसे आप बोलना चाहें, ड्राई कॉन्टैक्ट या पोटेंशियल फ्री, उसका वीडियो दोस्तों मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे इस वीडियो को देखने के बाद ही देखें, दोनों के एक साथ मत देखें, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उसको आप जरूर देखिएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वेट कॉन्टैक्ट और ड्राई कॉन्टैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, अगर हमारा आप DCS PLC से कमांड दे रहे हैं और आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो भी आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी वायरिंग है कि वेट कॉन्टैक्ट की कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हर बार की तरीके हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अलावा ट्विटर में, फेसबुक में, फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पेज है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन के नाम से, आप हमें सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डेली पोस्ट में आप अपनी राय दे सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा डीओ कार्ड है दोस्तों। जैसा कि हर बार के तरीके हमारा पीएलसी डीसीएस में क्या होता है कि डीओ कार्ड होता है, और उस डीओ कार्ड से हम कमांड देते हैं, बिकॉज इट इज अ डिजिटल आउटपुट कार्ड। आउटपुट निकाल रहा है तो उसका मतलब हम कमांड दे रहे हैं। तो दोस्तों, हर डीओ कार्ड की एक पावर सप्लाई होती है, मतलब पावर सप्लाई इसको देनी पड़ती है। तो वो पावर सप्लाई हमारी 24 वोल्ट है, जो कि हमारे सिस्टम से आ रही है। उसके बाद हर डीओ कार्ड में चैनल्स होते हैं। तो चैनल क्या होता है, वो 4 चैनल का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ चैनल्स बना के दिखाए हैं जिसको मैंने रिले में यूज किए गए हैं। तो ये हो गया हमारा डीओ कार्ड। डीओ कार्ड के बाद ये हमारा था आयो कैबिनेट। आयो कैबिनेट से हमारे तार जो है वो मार्शलिंग कैबिनेट में जाएंगे, जहाँ पे हमारी रिले लगी होगी। तो दोस्तों, रिले का काम क्या होता है, रिले वो चीज़ होती है कि जिसको हम एनर्जाइज करते हैं, तो वो क्या करता है, अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज करता है, जो उसके कॉन्टैक्ट होते हैं। दोस्तों, रिले में 3 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक NO होता है, एक NC होता है, एक कॉमन होता है। तो जो जब रिले एनर्जाइज हो जाती है तो NO बन जाता है NC, NC बन जाता है NO, और कॉमन विल रिमेन सेम, कॉमन हमेशा कॉमन ही रहेगा। तो दोस्तों, होगा क्या, चलिए हम बात करते हैं। सपोज करिए आपने स्काडा यानी पीएलसी डीसीएस का स्काडा होगा, जहाँ पे यूज़र जो है स्क्रीन खोल के बैठा है, उसने कहा कि मुझे फॉर एग्जांपल एक सोलनॉइड वॉल्व है, इस सोलनॉइड वॉल्व को चलाना है। दोस्तों, वो सोलनॉइड वॉल्व 230 वोल्ट एसी से चलता है। तो कैसे क्या होगा कि आपने कमांड दिया, कमांड इस चैनल पे आई, इस चैनल से कमांड आई, तो यहां से देखिए ये कार्ड है, ये 24 वोल्ट चैनल से निकालेगा। ठीक है दोस्तों, डीओ कार्ड है तो 24 वोल्ट निकालेगा। ये 24 वोल्ट हमारी कहाँ पे आएगी, इस रिले पे आ गई। जैसे ही इस रिले पे आई दोस्तों, ये रिले एनर्जाइज हो गए, दूसरा एंड ऑलरेडी इसका 0 वोल्ट डीसी पे कनेक्टेड रहता है, तो लूप आपका पूरा हो जाएगा, तो ये रिले एनर्जाइज हो जाएगी। और जैसे ही ये रिले एनर्जाइज होगी, तो मेरा ये कॉन्टैक्ट जो NC है वो NO बन जाएगा, और ये जो NO है वो NC बन जाएगा। ये कॉमन जो है ये यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये इट विल बिकम NC, ये NC हो जाएगा, ये NO हो जाएगा। और जैसे ही ये NC हो जाएगा, तो आपने देखा मैंने कॉमन पे, जनरली होता क्या है, जब भी हमें पावर सप्लाई घुमानी होती है या पावर सप्लाई हमें भेजनी होती है, तो हम अपना जो पावर का सोर्स है वो कॉमन में ही कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस कॉमन वाले टर्मिनल में ऑलरेडी हमने फेज का 230 वोल्ट का फेज कनेक्ट कर रखा है, यानी 230 वोल्ट यहाँ पे आ रही है। जैसे ही रिले एनर्जाइज हुई, ये 230 वोल्ट घूम के NO के NC में आ गई, और ये हमारी फ्यूज TV में चली गई, और ये फ्यूज TV के वायर हमने क्या किए, फील्ड से कनेक्ट किए। अब दोस्तों, हमने एग्जांपल लिया था सोलनॉइड वॉल्व का। सोलनॉइड वॉल्व में देखिए फेज तो पहुंच गया, न्यूट्रल भी पहुंचना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस मार्शलिंग कैबिनेट में जो हमारी TV होती है, जो फील्ड से कनेक्शन करती है, उस TV में हम एक पेयर, जो पेयर TV का होता है, उसमें से एक कनेक्शन हम न्यूट्रल का ऑलरेडी करके रखते हैं, जो 230 वोल्ट AC का न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स कि हमारे दोनों वायर फील्ड में जा रहे हैं, न्यूट्रल भी हमारा उस सोलनॉइड कॉइल पे पहुंच रहा है, और ये फेज वाला भी सोलनॉइड कॉइल पे पहुंच रहा है। लेकिन ये फेज वाला तभी एक्टिव होगा जब यहां से दोस्तों कमांड आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही कमांड आई, फेज पहुंचा, न्यूट्रल पहुंचा, तो वो सोलनॉइड वॉल जो है वो एनर्जाइज होके चलना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से ये बेसिक सा डायग्राम था, जिससे आप समझ सकते हैं कि डिजिटल आउटपुट की जो वायरिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, और कैसे जो है हमारा फ्लो ऑफ सिग्नल फील्ड तक पहुंच रहा है। अब आप बात करते हैं दोस्तों, टॉपिक हमारा क्या है, वेट कॉन्टैक्ट। जब हम ड्राई कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम कोई भी सप्लाई
खुद नहीं देते हैं, हमारी सब उन जो फील्ड में सिस्टम लगे होते हैं उनकी सप्लाई घूम के यहाँ से जाती है, यानी उन सिस्टम्स को सप्लाई वो खुद ही देते हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू वो सप्लाई ले लेते हैं अपनी ही वाली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे सिस्टम सप्लाई उनको खुद देता है या हमारे जो खुद के सिस्टम होते हैं उनको सप्लाई हम देते हैं। तो इस तरीके से थी डीओ के वेट कॉन्ट्रैक्ट की वायरिंग। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए तो दोस्तों ज़रूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है इस चैनल्स को बहुत ही आगे तक ले जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।